आदेश के क्रम में प्रदेश भर में अतिक्रमण पर अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में जनपद मुख्यालय पर आज चौथे चरण में सिद्धांत तिराहे से स्टेशन रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। सदर SDM प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के नेतृत्व में 2 बुलडोजरों के साथ सुबह से अभियान प्रारंभ हुआ। सुरक्षा व्यवस्था क्षेत्र अधिकारी सदर व सदर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी रही। सुरक्षा व्यवस्था क्षेत्र अधिकारी सदर व सदर कोतवाली प्रभारी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी रही। मीडिया से बात करते हुए सदर उप जिलाधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में ये कार्य चलाया जा रहा है। इस अभियान से नगर की सड़कें चौड़ी होंगी, साथ ही हम नगर सुंदरीकरण पर भी कार्य कर रहे। अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर लोगों को बताया जा रहा है कि लोगों का भरोसा, सहयोग व संवाद मिल रहा है, और जहां समय से अतिक्रमण स्वयं भू स्वामियों द्वारा नहीं हटाया जा रहा, वहां थोड़ी सख्ती भी की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में यातायात को सुगम बनाने के लिए और शहरों से अनावश्यक अतिक्रमण हटाने के लिए ये ड्राइव चल रही है। आप जैसा देख रहे होंगे सिद्धार्थनगर में भी लगातार चल रही थी, पहले मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा किया गया और उसके बाद हम लोग अपनी ज़मीन को क्लेम कर रहे हैं। तो उसके क्रम में जो अनावश्यक अतिक्रमण बढ़ लिया गया है, उनसे लोगों से वार्ता करके और उनको स्वतः प्रेरित करके और जहां आवश्यक है वहां पे मशीन वगैरह लगा करके हटवा रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो है CO साहब हैं, सदर साहब, सारे सुरक्षाकर्मी हैं, नगर पालिका सिद्धार्थनगर की पूरी टीम है और आज ये स्टेशन रोड पर हम लोग जो है अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। सारे व्यापारी बंधुओं का और जो आम जनमानस है उनका सहयोग मिला है। हम मेरे आने से पहले, चूँकि पहले इनको सूचित कर दिया गया था, लोगों ने अपना जो है स्वतः हटा लिया, सब लोग आगे आ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं और ये बहुत ही संवाद के क्रम में और बहुत ही सामंजस्य के साथ जो है कार्रवाई की जा रही है। लोगों को कम से कम नुकसान किए हुए और शांति व्यवस्था का कोई जो है प्रश्न उठाए हुए आराम से कार्रवाई चल रही है। आगे हमारा ड्राइव ये चलता रहेगा और भी मार्ग चिन्हित हो रहे हैं और उनको नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस होने के बाद उनको समय दिया जा रहा है और उसके बाद ड्यू कार्रवाई की जा रही है। 15 दिन से ऊपर हो गए अतिक्रमण हटाते हुए, कुछ जगह पर अभी अतिक्रमण बचे हुए, उसके बारे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहे हैं, चिन्हित होने के बाद उनको नोटिस दी जा रही है और लगातार 2-3 दिन पे इंसेसेंट जो है अभियान चलाया जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि हमको कहाँ पे जो यातायात सुगम बनाने के लिए क्या कार्रवाई अपेक्षित है उतनी की जा रही है। जैसे जहाँ पे NH है या जहाँ पे स्टेट हाईवेज हैं, वहाँ पे जिन लोगों ने हमारी हाईवे की ज़मीन को क्लेम कर लिया है या NH की ज़मीन को क्लेम कर लिया है, उनको भी हम लोग हटाने का संवाद के क्रम में प्रयास कर रहे हैं। लोगों से खुद ही आगे आने की अपील कर रहे हैं कि वो स्वतः हटा लें और जहाँ पे लोग नहीं सुन रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सख्ती भी की जा रही है और ये कार्यक्रम चल रहा है लोगों के सहयोग से और संवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।